পোন্ধৰ অগষ্ট দুই হাজাৰ কোডিয়ে কথা দে আজি কথা ৰখিলে আয়ুস্মান ভাৰত ডিজিটা মিছন শুভাৰম্ভ কৰিছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী এই যোজনাকু ভাৰতপৰাই অসামান্য সফলতা প্ৰধানমন্ত্ৰী পূৰ্বৰ পুৰুণা স্বাস্থ্য ৰেকৰ্ড সংগ্ৰহ কৰি পাৰিব ভাৰতৰ শহে তিৰিশ কোটি জনতা ডিজিটা ৰূপে সুৰক্ষিত ৰব এই ৰেকৰ্ড এতিয়া লিপোৰ্ট মেডিচিন প্ৰেছক্ৰিপশন পূৰা তথ্য ৰড জৰিয়তে অন্য় যোজনাৰ্ভ নাই পাৰিব

ये मिशन देश के गरीब और मध्यम वर्ग के इलाज में होने वाली जो दिक्कतें हैं उन दिक्कतों को दूर करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा टेक्नोलॉजी के माध्यम से मरीजों को पूरे देश के हजारों अस्पतालों से कनेक्ट करने का जो काम आयुष्मान भारत ने किया है आज उसे भी विस्तार मिल रहा है एक मजबूत टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म मिल रहा है साथियों आज भारत में जिस तरह टेक्नोलॉजी को गुड गवर्नेंस के लिए गवर्नेंस सुधारने का एक आधार बनाया जा रहा है वो अपने आप में जन सामान्य को एम्पावर कर रहा है यह अभूतपूर्व है डिजिटल इंडिया अभियान ने भारत के सामान्य मानवीय को डिजिटल टेक्नोलॉजी से कनेक्ट करके देश की ताकत अनेक गुना बढ़ा दी है अब हम बली भांति जानते हैं हमारा देश गर्व के साथ कह सकता है 130 करोड़ आधार नंबर 118 करोड़ मोबाइल सब्सक्राइबर्स लगभग 80 करोड़ इंटरनेट यूजर करीब तैयलीस करोड़ 43 करोड़ जनधन बैंक खाते इतना बड़ा कनेक्टेड इंफ्रास्ट्रक्चर दुनिया में कहीं नहीं है ये डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर राशन से लेकर प्रशासन तक एक को तेज और पारदर्शी तरीके से सामान्य भारतीय तक पहुंचा रहा है यूपीआई के माध्यम से कभी भी कहीं भी डिजिटल लेनदेन में आज भारत दुनिया में अपनी पहचान बना रहा है अभी देश में जो ई रूपी वाउचर शुरू किया गया है वो भी एक शानदार पहल है साथियों भारत के डिजिटल समाधानों ने कोरोना से लड़ाई में भी हर भारतीय को बहुत मदद की है एक नई ताकत दी है